नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को और मेरा नाम रंजीत है। सीतामढ़ी की पुलिस ने 5 लुटेरों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल सीतामढ़ी जिले के बेलसंड अनुमंडल के परसौनी थाना की पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। इस दौरान बेलसंड DSP सोनल कुमारी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। इस टीम में थानाध्यक्ष सुनीता कुमारी के अलावा अन्य पुलिस बल शामिल रहे और QRT की भी टीम शामिल रही। इस दौरान बड़ी उपलब्धि को हासिल किया गया है और 5 शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 3 पिस्टल और 1 देसी कट्टा, 36 राउंड गोली को भी बरामद किया गया है। बता दें कि इस संबंध में सीतामढ़ी के SP मनोज कुमार तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। इस संबंध में SP मनोज कुमार तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं। तो गुप्त सूचना मिली थी कि कोरा खड़गी स्थित बांध के नीचे बसवारी में कुछ अपराध कर्मी हथियार के साथ इकट्ठा हुए, घटना को अंजाम देने के लिए वो लोग वहाँ पे एकत्र हैं। इसी सूचना पर को तत्काल शेयर किया गया। उसमें SDPO बेलसंड सोनल जी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और टीम के द्वारा तत्काल छापेमारी की गई, जिसमें 5 अपराध कर्मी गिरफ्तार किए गए। उनके पास से 3 पिस्टल देसी, 1 कट्टा, मोबाइल, बाइक, 36 राउंड गोली, 4 मैगजीन बरामद किए गए। ये गिरफ्तार अपराधी कपूरों का भी आपराधिक इतिहास रहा। ये लूट एवं कई अन्य घटनाओं में शामिल रहे हैं। इनके गिरफ्तारी से कई कांडों का उद्भेदन भी हुआ। इसमें गिरफ्तार अभियुक्त में मुख्य रूप से सुनील कुशवाहा जो रीगा थाना क्षेत्र के हैं, सुजीत कुमार जो बानर सेना का है, और सरोज कुमार हैं राजा जो पूर्व में भी जेल जा चुका है, एवं लक्ष्मण राउत हैं। ये लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इनका अन्य भी आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है पुलिस के द्वारा। यह एक बहुत बढ़िया कैच है, जिसमें लूट के कई अपराधी गिरफ्तार हुए हैं और आगे भी इनके निशानदेही पे हम लोग अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। इस घटना में और भी कोई लोग शामिल हैं क्या? अभी इसकी हम लोग छानबीन कर रहे हैं। और सेना के नाम पे जिले में पहले भी कोई घटना हुई है या पहली बार ये? एक्चुअली बानर सेना के नाम पे कुछ कुछ शिकायतें हम लोग को मिलते रहती थी कि हथियार वगैरह का काम ये करता है, तो उसी में इसको हम लोग लेकर के आए थे। और ये एक्चुअल सुजीत पटेल जो है, ये पहले भी लूट की घटना में रहा है और ये शिवहर जिले का रहने वाला है। हाल के दिनों में कुछ दिन पहले हवाला वाले के लूट हुई थी रीगा में, और जो परसौनी थाना क्षेत्र में लूट हुआ था CSP वाले का, इस केस में उनकी संलिप्तता थी। सर, जो टीम में शामिल थे उनको सभी टीम में शामिल सभी पदाधिकारी एवं जवानों को पुरस्कृत किया गया। तो इस संबंध में सीतामढ़ी SP मनोज कुमार तिवारी क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना। बता दें कि ये अपराधी क्षेत्र में अपराधी घटनाओं को अंजाम देते थे और पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से 36 राउंड गोली बरामद किया गया है और बड़ी मात्रा में हथियार की भी बरामदगी की गई है। और इसमें साथी अपराधी जो शिवहर का निवासी है उसे भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उसके साथ साथ कुल 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें बानर सेना का भी सरगना शामिल है, उसकी भी गिरफ्तारी की गई है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ।